What is up? Welcome back to my channel. A very good morning. अभी मैं जा रहा हूँ जिम और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जिम से पहले क्या पीता हूँ. Right now I'm fully fasted. अपने वर्कआउट से पहले I take my pre. So I've been using Conquer Extreme. Crazy pre-workout. पहले मैंने half scoop से start किया था क्योंकि मुझे लगता है मैं एकदम कैफीन मुझे हिट होता है मतलब, और उसमें 300 mg कैफीन है. तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डाल दूंगा. बहुत ही स्ट्रांग है, पर आजकल मेरी बॉडी थोड़ी स्ट्रांग हो गई है तो एक हिप स्कूप तो बनता है. और इसके साथ मैं यूज कर रहा हूँ एक्स्ट्रा पंप के लिए, ये है एल-सिट्रुलिन. इसको 15 ml डालना, दैट्स लाइक हाफ कप. और जिम से ज़्यादा पहले मत पीना भाई, क्योंकि ये बाकी प्रीस की तरह नहीं है कि आपने पी लिया और ओके बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो गाइज अब हम जा रहे हैं जिम और आपको जो भी रन के प्रोडक्ट्स ट्राई करने हैं आप कर सकते हैं. प्रोटीन कॉफ़ी मोका फ्लेवर इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज कल मैं मालदीव जा रहा हूँ गाइज. सो या बट उससे पहले हम जाएंगे जिम और कंप्लीट करेंगे आज हमारा पुश वर्कआउट. एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड गाई 30% डिस्काउंट. चीयर्स गाइज. हेलो गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग मैन. सो आज है हमारा चेस्ट डे और हम लोग अभी जिम पहुंच चुके हैं. एक वार्म अप सेट ले रहा हूँ मैं एंड आई बी ट्राइंग 45s एंड 50s फॉर माय मेन वर्किंग सेट्स. एंड ट्राई करेंगे जितना हैवी आज जा सकें. लेट्स ट्राई 8-10 रेप्स. बाकी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस ओवरलोड कर रहे हैं हम लोग अपनी ट्रेनिंग में. सो लेट्स गो. सो गाइज बेसिकली आरसी बाइक का ट्रेन करने के बाद से आई गेट वेरी सीरियस विद माय ट्रेनिंग. आई डोंट यूज माय फोन, आई डोंट यूज कैमरास, नथिंग एज ऑफ यू नो. इन माय ट्रेनिंग टाइम जो मैं फ्लोर पे हूँ तो फ्लोर पे हूँ और अब ट्रेनिंग सीरियसली करेंगे क्योंकि आई रियली वांट माय बॉडी टू लुक रियली एस्थेटिक एंड गुड. सो आप लोग इस जर्नी में मेरे साथ हो एंड लेट्स गो. वेट गिरे नहीं गिरे, रात गिर गया भाई. ऑलराइट गाइस, 45 में 10 वी आर गुड. या अब हमारा एम है 50 पे 10 गुड रेप्स कंट्रोल्ड. सो जो मुझे लगा जो मेरा वीक पार्ट है वो लिफ्टिंग में है बट नॉट द रेप्स. पुशिंग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील हुआ एंड 50 में 10 इज़ द गोल. सो सिर्फ मसल साइज नहीं बट अब स्ट्रेंथ भी बढ़ाएंगे हम लोग और अगले साल रॉकेट. अगेन थर्ड सेट 45 के ले रहे हैं, 50 के नहीं ले रहे हैं. सच बोलो तो इतना ज़्यादा दम नहीं आ रहा बट आई एम हैप्पी यार. 45 में 10 रेप 8 रेप्स गुड फॉर्म के साथ आ रहे हैं. अगले एक दो महीने में आ जाएंगे 50s भी, कोई टेंशन नहीं है. चलो फोर्टी फाइव फॉर 6 नॉट बैड मैन. ओह क्रेजी पंप आ रहा है भाई. एल-सिट्रुलिन पिया था मैंने इससे पहले ना, रिम्ड अप का, थैंक्स टू कॉन्को एक्सट्रीम फॉर मेकिंग एक्सट्रीम. सो बॉयज एंड गर्ल्स हम लोग मार रहे हैं अभी फ्लैट बेंच प्रेस और अभी मैं बहुत लाइट ही ले रहा हूँ क्योंकि मेरा ये सेकेंड एक्सरसाइज है. इट्स गोइंग टू बी लाइक 90 किलोज आई फील समथिंग लाइक दैट. कितना है 35 20 90 किलोज राइट? यस इट इज 90 किलोज. मेरा हाईएस्ट PR 1 rep max is 137.5. I haven't done 140 kgs as of now, but definitely in future. ये मेरा aim है इस बार क्योंकि बार इसकी बहुत हाइप है कि 315 pounds कहते हैं इसको. You know, a lot of people do like 220 bench and that's like 100. मैं pounds में बात कर रहा हूँ. So 220 pounds में लोग बहुत खुश होते हैं पर मैं 100 kgs में ऐसा कुछ ठीक है मतलब मारते हैं 40 मुझे इतना कुछ वो नहीं लगता. बट लाइक 140 kgs के प्लस जब तीन प्लेट यू नो आप ब्लू वाले मारते हो दैट्स वेरी इंप्रेसिव. उसको हम बिल्डअप कर रहे हैं और जल्दी मारेंगे. ओनली 6 रेप्स, ये मेरा थर्ड सेट है इसका बट मैं काफ़ी सेट्स ऑलरेडी आउट हो चुका हूँ. आप मेरी आंखों से भी देख सकते होगे. The next day. So, आज है एक नया दिन और जैसे कि आपको बताया मैं शुरुआत कर रहा हूँ गाड़ी के अंदर
obviously ye to mera you know trademark hai ab to and right now Ajju bhai aur main ja rahe hain airport ki taraf kyunki hamare Splits वाला X3 के विनर जय भाई आ रहे हैं दूसरी बार आ रहे हैं पर लास्ट टाइम मैं था नहीं देहरादून में इस टाइम मैं हूँ तो भाई को हम पिकअप कर रहे हैं उसके बाद जा रहे हैं हम ऋषिकेश ऋषिकेश में हम रहने वाले हैं मिस्टर बिरला के हाउस में क्योंकि भैया के फ्रेंड है वो अपेरेंटली मैं भी यश बिरला के घर गया कभी गया नहीं हूँ सॉरी यश बिरला सर के घर कभी गया नहीं हूँ इट्स गोइंग टू बी क्रेजी इट्स गोइंग टू बी वेरी प्राइवेट हाउस आप लोग को भी टूर देता हूँ खुद भी एक्सपीरियंस करूंगा एंड वर्कआउट चेकआउट कर लिया है मौसम बढ़िया हो रहा है ऋषिकेश का अज्जू भाई yes. तो हम जा रहे हैं जय भाई से मिलने Amazing. क्या कहना चाहते हो जय भाई को तुम थैंक यू जय भाई फॉर बीइंग आवर फ्रेंड अच्छा जिससे हम लोग जा सके और आज एंजॉय कर सके चलो गाइस इनकी शुरुआत कर रहे हैं आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट लेट्स स्टार्ट द डे जय भाई के आते ही बारिश आ गई यार क्या यार जय भाई आए और इतना बढ़िया धूप धाप था मतलब आप लेट हो गए भैया यार चॉपर में आते तो जल्दी आते कोई नहीं यार अब ड्रोन कैसे उड़ाऊंगा यार अपना यार कोई नहीं यार प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बंदा की वो तो मारे वो तो अलाउड है भाई अरे अलाउड है भाई हमारे पास वी हैव द मैन विद अस वी कैन फ्लाई एनीवेयर एनी टाइम वाओ देहरादून एयरपोर्ट एंड में ले ले भाई कहाँ है जय तू जाने दिख रहे नहीं बड़े बाइसेप्स दिख रहे हैं तेरे को बिग बोर्ड कहीं दिख रहा है यार वन इटर्निटी लेटर क्या भाई अरे पेट्रोल पंप पे जाएंगे क्या भाई सीधा भाई आ जा भाई हेलो हाउ आर यू क्या यार जय भाई आप आए और बारिश लाए वही तो अच्छी बात है ना भाई मैं आया मतलब अभी भाई इतनी बढ़िया धूप हो रही थी ना क्या यार भाई बैग कहाँ है उधर है अभी गाड़ी में अच्छा दूसरी गाड़ी भी अपनी है वाओ मैन जय भाई ने अज्जू को ही पीछे बैठा दिया गाड़ी दे दिया भाई बोल भाई यानी अज्जू पीछे बैठ ओह अजय भाई कैसा लग रहा है आपको देहरादून कैसा लग रहा है ना अच्छा लग रहा है भाई आपसे पूछ रहा हूँ अच्छा मेरे से पूछ रहा हूँ ऋषिकेश भी नहीं है देहरादून एयरपोर्ट क्यों बोलते हैं वो देहरादून के आउटस्कर्ट्स में आता है ना भाई अब जैसे दिल्ली का जो गुड़गांव में आता है ना एयरपोर्ट रानी पोखरी तो यहाँ से क्या तुम्हारा 30-40 मिनट पे हाँ और ये ऋषिकेश 30-40 मिनट करेक्ट अच्छा ये बीच का है बीच का है ओ कि भाई ऋषिकेश वाले ऋषिकेश है समझ वो गाड़ी चड्डी वड्डी लेके आओगे भाई कुछ नहीं लाया भाई चड्डी क्यों चाहिए भाई मतलब ऐसा पानी वानी में जाएंगे तो अच्छा अच्छा कोई नहीं भाई ब्लिंकेट कर देंगे चड्डी क्या दिक्कत क्या है भी ब्लिंकेट होती है पता नहीं क्या आपको भाई ये प्रमोशनल है हम जो बोल रहे हैं वो ब्लिंकिट के बारे में तो समझ जाओ ओह वाओ वो इंटीग्रेटेड वीडियो है वाओ इंटीग्रेटेड ही होता है ना उसका क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन करेक्ट ये भाई को पता नहीं है मूवी शो भी करते हैं एक्टिंग एक्टिंग करते हैं बड़े आदमी हैं क्या करेंगे भाई भाई कब आ रही मूवी आपकी मेरी मूवी आने वाली थी वो 9 तारीख को एक आने वाली थी जो अभी पोस्टपोन होकर 27 सितंबर हो गई है बस आई गई 27 सितंबर आ गया ना फिर सितंबर अभी ऑगस्ट चल रहा है ना ऑगस्ट चल रहा है अगले महीने बस अज्जू भाई चलेंगे फिर भाई प्रीमियर पे ओके रिपोर्ट जय भाई एक्चुअली विलन ही है भाई एंटी विलन है वो बाइसेप किस लिए बना रखे आजकल तो मेरे को रोल ऐसे आता है ना कि कैसनोवा कैसनोवा की रोल आता है भाई वो तो हो ना उसमें कुछ टेंशन थोड़ी आपने स्वीट सॉन्ग लिखा था याद नहीं आपको इतने बुरे हो यार गरीब तो गाइस हम लोग आ गए हैं मेन प्रॉपर्टी में और प्रॉपर्टी इतनी भयंकर है ना वहाँ पे घर है यहाँ पे स्टेयर्स हैं खुद का प्राइवेट व्यू है यहाँ पे होगी नेक्स्ट लेवल मेडिटेशन अमेजिंग प्लेस अमेजिंग वाइब्स एज यू नो ऋषिकेश इज टू गुड और नदी के ऊपर ना मिस्ट भी जमी पड़ी है मतलब तो हल्की हल्की है और बढ़िया है किसी दिन हम पर भी इतना पैसा आ रहा है आ हा सही आ जाएगा वाह क्या लेगा अज्जू भाई ये ले थोड़ा भाई चेन अच्छी लग रही है यार बढ़िया लग रही गुड यार ये बॉयस ये आज के लिए हमारा प्राइवेट जिम थोड़े डंबल्स और एक रैक होम जिम फॉर टुडे लेट्स गो लेट्स गेट श्रेडेड या मैन क्या प्रोटीन शोटीन पियेंगे बढ़िया लग रही है यार बॉडी क्या बात है जी भाई बढ़िया लग रही है यार बॉडी भी क्या बात एक्सरसाइज कर लिया करो थोड़ी सही है बढ़िया
होम जिम गाइस डे 2 गाइस बारिश हो रही है देहरादून में बहुत ज्यादा और अभी जय भाई आ गए आगे भाई आगे जय भाई आ गए हैं देहरादून अभी भैया को हम डिनर करने ले जा रहे हैं लग रही है इन्हें बहुत ज्यादा भूख हमें क्या खाने कहते हैं मोमो खाने हैं ठीक है भाई फिर देहरादून के मोमो खिलाएंगे हम इन्हें बाकी मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है वी स्टेड इन द बिल्ला हाउस फॉर लाइक 2 डेज मतलब मैं दूसरे दिन रुका क्या प्रॉपर्टी थी मज़ा आ गया यार बहुत सारी बातें करी हमने स्पिरिट्स वाला की फलाना ढिमकाना की पता नहीं क्या क्या बातें करी बहुत मज़ा आया रज्जू एंट्री ढूंढ रहा रज्जू एंट्री आ गया यार क्या हो गया भाई ये गाड़ी खरीदनी है नाइस कार रेंज रोवर वेरी नाइस स्पोर्ट डिस्कवरी ओह अमेजिंग वन डे वेरी सून और आ गए हम लोग अभी फेयरफील्ड मैरिट यहाँ पे रुके हैं पिक करते हैं भैया को फिर डिनर के लिए चलते हैं और गाइज आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट मौसम देखो भाई इधर देहरादून का वाह हल्की हल्की मीठी मीठी बारिश वाह हेलो गाइस ये बढ़िया गाड़ी है भाई लग रहा है ना वाह और जय भाई क्या खाना है फिर भाई मोमोस खिलाओ भाई जय भाई के लिए साइड में पड़े हुए हैं चिकन है भाई मटन है सॉरी नॉन वेज चलो भाई जल्दी खाना खिलाओ चलो 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 जल्दी खाना खिलाओ और जय भाई हाउ इज द होटल होटल अच्छा है बट भाई देहरादून में इतनी ट्रैफिक है भाई वो आज संडे था ना संडे हमारा मंडे हो भाई भाई घंटा हमारे यहाँ पे बॉम्बे में संडे को ट्रैफिक ही नहीं होता है यहाँ पे तो संडे को ट्रैफिक है बराबर ना जरा आप लोग का दिन बहुत ही स्लो ड्रिंक भाई आपकी ड्रिंक कॉन्कर फ्री एक्सट्रीम वेरी गुड रात को लेंगे जय भाई प्री वर्कआउट पीते हैं फिर आराम से बैठते हैं ऐसा क्यों जय भाई बंडी मारते हैं बंडी मारने के लिए भाई प्री वर्कआउट इज मोर इम्पोर्टेंट ये लाल चटनी ये तो होती है शेजवान चटनी ये नहीं है शेजवान चटनी भाई ये लाल चटनी है देहरादून की ऑथेंटिक लाल चटनी ये तीखी होती है क्या बात वाह क्या किलर एकदम भाई तीखा है बहुत तीखा है भाई सच्ची पूछ रहा हूं मैं बहुत तो सही में तीखा है तो थोड़ा खाना लगाना कम ना मोमो में अरे अरे जय भाई खा रहे हैं लाफिंग ओ हो जय भाई कैसा है देखे देख ओ बढ़िया गुड ना ओके रे गुड ओके भाई मैंने चिकन साथ खाया ना स्पाइसी था कितना क्या हो गया तुम्हें क्या हो गया गर्म क्यों हो गए इतने भाई स्पाइसी था ना बहुत ज़्यादा आपको कैसा लगा खाना बढ़िया भाई बहुत बढ़िया गुड ना बाइसेप पंप अच्छा है आपका बाइसेप पंप आ गया वो मोमो सीधा अटक गया सही है और शोल्डर में भी अटका हुआ है सही है एक साइड का बढ़ गया गुड नाइट भैया भाई भी जाएंगे भाई पंप करके आए हो खुद को और जय भाई कैसा लगा आपको देहरादून कल इतना अच्छा नहीं लगा बिकॉज ट्रैफिक की वजह से आज बहुत बढ़िया लगा भाई खाना बहुत परफेक्ट था मतलब अभी ऑफ कोर्स वो जहाँ पे तुम लेके गए थे वो तो लवली ना थोड़ा सा ऑथेंटिक वो मोमोज वगैरह खाने का था यार हमारे यहाँ पे मिलता है पर इतना जूसी नहीं मिलता जूसी नहीं मिलता भाई वो मेरा पैंट भी खराब हो गया ना वो जूस चटनी गिरा दी अपने व्हाइट पैंट में यार मेरी वार्डरोब की सबसे महंगी वाली पैंट थी बस बात ही करता उसके ऊपर गिरा दी तो उसके ऊपर अब दाग लग गया देहरादून का दाग चलो जय भाई मिलता है फिर आपसे जल्दी बाय बाय वेलकम कून बाय दीदी थैंक्स फॉर द अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी यस सर ऐसा आता हूँ अभी नवंबर में आता हूँ देहरादून में गाइस सब लड़की लड़की लोग जितने भी लड़की हो स्पेशली अगर सुन रहे हो तो फिर वो आप आ जाओ तभी मीटअप सेशन रखेंगे भाई चलिए गाइस मिलते हैं आपसे गाइस जय भाई जा चुके हैं अब जय भाई रहे यहाँ पे 2-3 दिन जय भाई के साथ ना दिक्कत ही होती है भाई ब्लॉग व्लॉग नहीं कर सकते यार मतलब ऐसी बातें करते हैं ना वो मतलब समझ से बाहर पहले तो थोड़ी इमोशनली बात करेंगे फिर थोड़ी ऐसी बातें बता देंगे दुनिया में ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है तुम क्या कर रहे हो तो फिर ब्लॉग नहीं हो पाता है वो थोड़ी यू नो प्राइवेट वाला सीन हो जाता है ना घूमते घामते नहीं है तुम्हें तो पता ही है आते हैं सोते हैं खाते हैं खाना खिला दो बस बढ़िया एक बढ़िया से रिजॉर्ट में रुका दो मोमो खिला दो कैसा लगा फिर रज्जू भाई जय भाई से मिल गया अभी होश है चलिए गाइस व्लॉग कंटिन्यू करते हैं फिर और कुछ करते हैं